विपक्ष ने आज की डिमांड की थी लगातार, ये लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि जून की जांच में साजिश का पता लगाने के लिए कोई जुडिशियल इंक्वायरी गठित की जाए, इसकी घोषणा करें। देखिए, हरियाणा सरकार के ये कभी भी कोई नया कमीशन या कोई इंक्वायरी तभी मार्क की जाती है जब हमारी अपनी एजेंसीज ने कोई इंक्वायरी कर ली होती है या करने के बाद उसमें कुछ चीज़ें ऐसी रह गई होती हैं जो शायद हमारी एजेंसीज ना कर पाए, लेकिन जो चीज़ जो प्रोसेस हमारी एजेंसीज की चल रही है, तो जब चल रही है उसका कोई निर्णय, उसके कोई विषय जब आगे आएंगे। हमने लगातार लगभग 300 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार किए हैं और 160 के आसपास FIR हुई हैं। तो इतनी FIR होना, इतने लोगों को गिरफ्तार करना और उसमें कुछ लोगों को यानी शक के बिना पर एक प्रकार से उनसे पूछताछ भी की जा रही है। दुर्भाग्य तो यह है कि हमारे विधानसभा का एक विधायक, उसके ऊपर शंका की जा रही है। नोटिस की बात हो रही है, तो शंका दिया है, नोटिस दिया है पुलिस ने, तो नोटिस देने के बाद उनका बयान लेंगे। क्या है, आखिर कोई पुलिस के पास किसी प्रकार का कोई तथ्य होंगे तभी तो दिया है, अन्यथा पुलिस किसी को नोटिस देती नहीं है। नोटिस देने का अर्थ ही यह है कि कहीं ना कहीं किसी प्रकार की शंका पुलिस को है, तो उनके तथ्य जब सामने आएंगे उसकी इन्वेस्टिगेशन में जो दोषी पाया जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस की भी इन्वॉल्वमेंट की गृहमंत्री ने सेशन के दौरान बात करी है, क्या आप भी सहमत हैं इस चीज से? देखिए, विषय ये होता है कि आखिर कोई पार्टी होती तो क्या होती है, उसके सदस्य, उसके विधायक, उसके सब वही पार्टी होती है। जब कांग्रेस का एक विधायक, उसके खिलाफ इस प्रकार की सारी बातें मिल गई और वो पुलिस के घेरे में आ रहे हैं, और केवल उनके खिलाफ नहीं दूसरे विधायकों के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, और उसका कोई कभी उसके बारे में निंदा नहीं की कांग्रेस ने, उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। अगर किसी अपने ही विधायक के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, हाँ ये ठीक है, दोष हो तो दोषी के खिलाफ सजा होगी, दोष तो सिद्ध होगा तब होगा, लेकिन इतना भी अगर ये विषय आया है तो कम से कम उसके बारे में कोई अच्छा बुरा कुछ तो कह देते। जो कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा, मम रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं दाल में काला लगता है। धन्यवाद।